वेलकम यू फ्रेंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरियस डिजीज ऑफ राइस सच एज राइस ब्लास्ट ब्राउन स्पॉट बैक्टीरियल ब्लाइट सीड ब्लाइट फॉल्स स्मार्ट खैरा एंड टूंगरो सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइस ब्लास्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है जो मैग्नापोर्थी ओराइजी या पैरिकुलरिया ओर एजी से होता है कमिंग टू द सिम्टम इसके तीन सिम्टम हैं जो मेजर हैं फर्स्ट लिप ब्लास्ट सेकंड नोडल ब्लास्ट एंड थर्ड नेक ब्लास्ट एक एक करके सबको देखते हैं लिप ब्लास्ट इसका जो सिम्टम है वो लिफ में आते हैं डायमंड सेब्ड आर बोर्ड सेब्ड आर आई सेब्ड वाइट टू ग्रे आर रेडीज ब्राउन लीजेंस विथ रेडीज टू ब्राउन बॉर्डर अपियर ऑन द लिप्स द लीजन में इन लार्ज कोलेस एंड किल द इंटायर लिप्स मीन्स पहले लिप में बोट सेप या आई सेप के लीजेंस आते हैं जिनका जो कलर है सेंटर का कलर वो ग्रे और स्टा कलर का होता है और इसकी जो मार्जिन होती है वो रेडिस ब्राउन होती है बाद में जब फेवरेबल कंडीशन बना रहता है तो ये जो लीजन है वो साइज में बढ़ता है और ऐसे बहुत सारे लीजन्स आपस में जुड़ने लगते हैं और जो पूरा लीफ है वो मर जाता है नोट ब्लास्ट ये नोड रीजन है जो जॉइंट होता है उसे नोट कहते हैं तो जब नोट रीजन में ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन आता है और ये जो फंगस है इसको गडल कर लेता है घेर लेता है तो इसे नोट ब्लास्ट कहते हैं नेक ब्लास्ट इन्फेक्शन एट जॉइंट ऑफ स्टेम एंड पेनिकल ये रीजन नेक कहलाता है ये जो जॉइंट है ये स्टेम और पेनिकल के बीच का है और जब यहां पे ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन आता है तो उसे नेक ब्लास्ट कहते हैं दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ डिजीज तो इससे सबसे ज्यादा लॉस होता है दिस इज ऑल्सो नॉन एज नेक रॉट नेक ब्लास्ट और पेनिकल ब्लास्ट अब इसके दो कंडीशन हैं कंडीशन नंबर वन इफ इन्फेक्शन ऑफ द पेनिकल अकर्स अर्ली जब अर्ली स्टेज में इन्फेक्शन आता है तो उस समय ग्रेन फिलिंग नहीं हुआ होता है इसीलिए जो पेनिकल है वो इरेक्ट होता है कंडीशन नंबर टू जब इन्फेक्शन लेट में आता है और उस समय ग्रेन फिलिंग हो चुका है तो जो पेनिकल का वेट है वो बढ़ गया है इसलिए जब डिजीज आती है नेक में तो जो ऊपर का पोर्शन है वो गिर जाता है कमिंग टू द इटियोलॉजी फंगस इज हायर फंगस मैग्नापोर्थी बिलोंग टू एस्कोमाइकोटिना एंड पैरिकुलरिया बिलोंग टू ड्यूटेरो माइसीलियम इज सेप्टेड हाईलाइन एंड ब्रांच द कॉनिडियो फोर्स आर सिंपल मीन्स इसमें इसका जो कॉनिडियो फोर होता है वो इरेक्ट होता है और इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है कॉनिडिया आर पीयर सेप्ड एंड मोस्टली टू सेप्टेड हियर दिस इज कॉनिडिया इसका जो सेप है वो पीयर सेप का होता है और इसमें दो सेप्टा प्रजेंट होते हैं मतलब ये टोटल थ्री सेल्ड होता है फंगस प्रोड्यूस टॉक्सिन लाइक पायरिकुलेरिन एंड अल्फा पिकोलिनिक एसिड द सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी इज पेरिथीसिया विच इज एब्सेंट इन पायरिकुलेरिया बट ओनली प्रेजेंट इन मेग्नापोर दिस इज पियर सेप्ट फ्रूटिंग बॉडी इन साइड द पेरिथीसिया इट प्रोड्यूस एस विद इन एस इट प्रोड्यूस एस्कोस्पोर कमिंग टू द डिजीज साइकिल पैथोजन सर्वाइव इन सीड सॉइल वीड होस्ट एज एंड देन दिस अराइव टू द प्लांट सरफेस जो कोनीडिया है वो प्लांट सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये पहले अपने होस्ट को रिकॉगनाइज करता है फिर जर्मिनेशन होता है जर्मिनेशन के बाद एप्रिसोरिया बनता है ये जो एप्रिसोरिया है फिर पेनेट्रेशन पैक बनाता है और इसका जो माइसीलियम है वो पौधे के सेल के अंदर मल्टीप्लाई होता है बाद में इसमें स्पोर इस डेवलप होता है और ये स्पोर इरिगेशन वाटर या विंड के द्वारा किसी दूसरे प्लांट या किसी दूसरे एरिया में जाता है और इन्फेक्शन करता है सो दिस इज नॉन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में इसका जो इन्फेक्शन है वो वीड होस्ट और कोलेटल होस्ट में भी होता है और फिर यह सर्वाइव करता है कमिंग टू द फेवरेबल कंडीशन इंटरमीडियंट ड्रिजल्ट क्लाउडी वेदर मोर रेनी डेज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ ड्यू हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन नाइंटी फाइव परसेंट लो नाइट टेम्परेचर बिट्वीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटल होस्ट एंड एक्साइज डोज ऑफ नाइट्रोजन आर फेवरेबल टू द डिजीज डेवलपमेंट कमिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ राइस ब्लास्ट For any disease, we should always adopt integrated disease management practices which includes first resistant variety like Indira Maheswari, cultural practices like sanitation, removal and destruction of weed host, irrigation management, disease-free seed, crop rotation with non-host, biological management, seed treatment with pseudomonas, fluorescence, एट द रेट ऑफ टेन ग्राम पर के जी ऑफ सीड्स केमिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट ऑफ सीड विथ ट्राई साइक्लाजोल एट द रेट टू ग्राम पर के जी आर वी कैन स्प्रे द ट्राई साइक्लाजोल इन फील्ड कमिंग टू ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस ये जो सिम्टम दिख रहा है ये है ब्राउन स्पॉट का द डिजीज इज कॉज बाई हेलमिंथोसपोरियम और इसका जो टीलोमॉर्फ है वो है कोकलीबोलस मियाबीएनस ये भी इटैलिक में होगा और अगर हम इसे एग्जाम में लिख रहे हैं तो सेपरेट अंडरलाइन करना है कमिंग टू द सिम्टम द सिम्टम ऑफ ब्राउन स्पॉट्स अपीयर्स इन कोलियोटाइल लिप ब्लेड लिप सीथ एंड ग्लोम्स द फंगस अटैक द क्रॉप फ्रॉम सिडलिंग टू मिल्की स्टेज द स्पॉट्स कैन बी करेक्टराइज एज मान्यूट सेलेंड्रिकल आर ओवल डार्क ब्राउन स्पॉट्स विथ येलो हेलो अपियर इन द प्लांट सेवरल स्पॉट्स कोलेस एंड लिप्स ड्राई वेन द इंफेक्शन अफेक्ट दिडलिंग इट कॉज डेथ ऑफ द सिडलिंग डार्क ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स ऑल्सो अपियर ऑन ग्लूम लीडिंग टू द ग्रेन डिस्कलरेशन ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं यह ब्राउन स्पॉट का है इसमें क्या होता है पहले स्मॉल डॉट्स आते हैं ब्राउन कलर के और जिसमें येलो हेलो प्रेजेंट होता है बाद में जो इसका साइज है वो बढ़ता है बहुत सारे स्पॉट्स आपस में मिलते हैं और जो लीफ है वो ड्राई हो जाता है जो एक बेसिक डिफरेंस है ब्राउन स्पॉट और राइस ब्लास्ट में वो ये है कि ब्राउन स्पॉट में ओवल सेप का स्पॉट्स आता है और राइस ब्लास्ट में बोट सेप का या आई सेप का स्पॉट्स आता है ब्राउन स्पॉट में जो सेंटर है वो ग्रे कलर का होता है और राइस ब्लास्ट में जो सेंटर है वो एक्स्ट्रा कलर या वाइट कलर का होता है कमिंग टू द इटियोलॉजी दिस इज अ अर फंगस द माइसिलियम्स आर सेप्टेड ब्रांसड एंड डार्क डार्क क्यों होता है बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मिलेनिन इट ऑल्सो प्रोड्यूस को एंड कॉनिडियो फोर जो इसका फोर होता है वो सिंपल होता है जो कोनिडिया होता है उसमें सिक्स टू फोर्टीन सोडोसेप्टा प्रेजेंट होता है ये देखिए ये जो है कोनिडिया इसका जो कोनिडिया होता है वो सेंटर में जो इसका थिकनेस है ज्यादा होता है और साइड में कम होता है टिलोमार्फ इसका जो टीलोमार्फ स्टेज होता है वो पेरिथीसिया बनाता है पेरिथीसिया में एसाई SI बनते हैं और एसाई SI में क्या बनता है एस्कोस्पोर सो so, इसका जो टीलोमार्फ है कोकलियोबोलस होता है सी ओ सी एच एल B बी ओ एल S कोकलियोबोलस कमिंग टू द डिजीज साइकिल ऑफ ब्राउन स्पॉट पैथोजन कहाँ सर्वाइव करेगा सीड्स में क्रॉप डेबरिस में एज अ कोनीडिया एंड माइसिलियम और जब राइस लगाया जाएगा तो वहां पे ये इन्फेक्शन करेगा या तो कोलियोप्टाइल में या लेप्स में अंदर में फंगस मल्टीप्लाई होता है जिससे सिम्टम डेवलप होता है बाद में ये कोनीडिया बनाता है और ये कोनीडिया विंड के थ्रू किसी दूसरे प्लांट्स में या फील्ड में स्प्रेड होते हैं और वहाँ इन्फेक्शन करते हैं इसे कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में इसका जो इन्फेक्शन होता है वो सीड में भी होता है और माइसीलियम सीड्स में या सॉइल्स में सर्वाइव करते रहता है कमिंग टू एपिडम्योलॉजी it required temperature of 25 to 30 degree centigrade with relative humidity more than 80% excess dose of nitrogen is also favorable for the disease development coming to the management we should always adopt integrated disease management practice like field sanitation removal of collateral host use of slow release nitrogenous fertilizer ग्रो टॉलरेंट वेराइटी लाइक सीओ डबल फोर आर भवानी यूज डिजीज फ्री सीड्स ट्रीट द सीड्स विथ थायरम आर कैप्टान स्प्रे द नर्सरी विथ मैनकोजेब एंड वी कैन स्प्रे द मैनकोजेब इन फील्ड अब आते हैं बी एल बी बैक्टीरियल लिप लाइट दिस इज कॉज्ड बाई जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी जू Coming to the symptom, there is two phase first is Cressec phase and second phase is lip blight phase. Cressec phase means complete wilting of seedlings. Cressec phase is seen in seedling around 1 to 2 week after transplanting. Seedling in nursery shows circular yellow spot in margin that enlarge coalesce and leading to the drying up of the foliage. cressec phase is not present in all the area of india it has been reported only in maharashtra and this phase is first reported in philippines coming to the leaf blight stage water soaked translucent lesions appear near the leaf margin lesions enlarge in both लेंथ एंड विथ विथ वेवी मार्जिन एंड टर्न एक्स्ट्रा येलो विद इन अ वीक कवरिंग द इंटायर लीव। एज द डिजीज एडवांस द लीजन कवर द इंटायर लेमिना विच टर्न वाइट टू एक्स्ट्रा कलर मिल्की ड्यू ड्रॉप कंटेनिंग बैक्टीरियल मास आर फॉर्म ऑन यंग लीजन इन अर्ली मॉर्निंग थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं ये जैसे लीफ है तो ये जो बैक्टीरिया है वो हाइड्रेथोड्स के द्वारा प्लांट में इंटर करता है हाइड्रेथोड्स एक ओपनिंग होती है जो लीफ के टिप में प्रेजेंट होता है यहाँ से बैक्टीरिया इंटर करता है तो पहले वाटर सोक लीजन दिखाई देता है यहाँ लिप टिप में बाद में ये नीचे साइड मूव करता है और जो अफेक्टेड एरिया है वो एस्ट्रा कलर में कन्वर्ट हो जाता है मॉर्निंग के टाइम जहां यह इन्फेक्टेड एरिया है वहां से बैक्टीरिया बाहर आते हैं जिसके कारण से जो ड्यू ड्रॉप है वो मिल्की या ओपेक दिखाई देता है कमिंग टू द इथियोलॉजी दिस इज कॉस्ड बाई अ बैक्टीरिया जेंथोमोनास ओराइजी पैथोवर ओराइजी विच इज ग्राम नेगेटिव नॉन फॉर्मिंग रॉड सेफ्ड बैक्टीरिया इट हैज सिंगल फ्लेजिला दैट इज प्रेजेंट इन वन साइड दिस इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस पोलर फ्लेजिला बैक्टीरियल कॉलोनीज आर सर्कुलर एंड कॉन्वेक्स अगर हम बैक्टीरिया को प्लांट से आइसोलेट करके उसे ग्रोइंग मीडियम में कल्चर करते हैं और जब 72 टू आवर में उस ग्रोइंग मीडिया को ऑब्जर्व करते हैं तो जो बैक्टीरिया है वो ऐसे दिखाई देता है इसमें जो कॉलोनी है वो सर्कुलर होता है और कॉन्वेक्स होता है अगर हम उसे साइड से देखें तो ये ऐसे उभरा हुआ होता है इसका कलर येलो कलर का होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जेंथोमोनेडीन जिसके कारण से ये कॉलोनी पीली कलर की होती है अब आते हैं डिजीज साइकिल में पैथोजन कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं क्रॉप डेब्रीज में सीड्स में और वीड होस्ट में उसके बाद जब प्लांट लगाया जाएगा तो ये जो बैक्टीरिया है वो हाइड्रेथोड्स या वुंड के द्वारा प्लांट में एंटर करेगा वहाँ मल्टीप्लाई होगा सिम्टम डेवलप होगा उसके बाद जो बैक्टीरिया है वो ऊज के द्वारा बाहर आएगा और ये बैक्टीरियल वूज इरिगेशन वाटर विंड रेन या रेन स्प्लेसेस के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाएगा दूसरे फील्ड में जाएगा और इन्फेक्शन करता है दिस इज़ नॉन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में यह जो बैक्टीरिया है वो सीड्स में वीड में एंड कोलेट्रल होस्ट में भी इंफेक्शन करता है और सरवाइव करता है कमिंग टू द दी मोर देन नाइन्टी परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी ट्वेंटी टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन ससेप्टेबल वेराइटी और क्लाउडी डेज कमिंग टू द मैनेजमेंट वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक सैनिटेशन ऑफ द फील्ड बर्निंग ऑफ द स्टेबल यूज ऑफ ऑप्टिमम डोज ऑफ फर्टिलाइजर अवॉइड क्लिपिंग ऑफ लिप टिप ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटिंग अवॉइड फ्लडिंग कंडीशन रिमूवल ऑफ वीड होस्ट ग्रो रजिस्टेंट वेराइटी लाइक टीके एम सिक्स आई आर ट्वेंटी स्प्रे स्टेप्टोसाइक्लिन सल्फेड एंड टेट्रासाइक्लिन इन कंबिनेशन विथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो बैक्टीरिया के लिए है स्टेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही इफेक्टिव होता है यह जो पिक्चर दिख रहा है यह सीथ ब्लाइट का है सीथ क्या होता है लीफ का वो पोर्शन जो स्टेम को कवर किया होता है उसे कहते हैं सीथ दिस डिजीज इज कॉज बाई राइजोक्टोनिया सोलेनी। कमिंग टू द सिम्टम द फंगस अफेक्ट द क्रॉप फ्रॉम टिलरिंग टू हेडिंग स्टेज initial symptoms are noticed on leaf sheath near water level on the leaf sheath oval or elliptical or irregular greenish gray spots are formed as the spot enlarge the center become grayish white with an irregular blackish brown or purple brown border lesions on the upper part of the plant collage to each other and cover the entire tiller

मतलब जहाँ से ये जो वाटर है सिडलिंग को टच करता है वहाँ से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में जो लीजेंस है वो ब्राउन कलर के होते हैं धीरे धीरे इसका साइज बढ़ता है और इरेगुलर शेप का हो जाता है इसका जो सेंटर का कलर है वो एक्स्ट्रा कलर हो जाता है और जो मार्जिन है पर्पल ब्राउन कलर का होता है ऐसे बहुत सारे लीजेंस आपस में जुड़ने लगते हैं और जो पूरा लीफ है वो मर जाता है धीरे धीरे यह लीजन फ्लैग लिप और पेनिकल तक भी पहुंच जाता है जिसके कारण से जो ग्रेन फीलिंग है वो अफेक्ट होता है कमिंग टू द इटियोलॉजी ऑफ राइजोक्टोनिया सोलेनी दिस बिलोंग टू ड्यूटीरो माइकोटिना इट मीन्स इट्स अ हायर फंगस बट इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ कोनीडिया आर स्पोर्स ओनली इट प्रोड्यूस स्क्लेरोशिया The black dot in pictures is sclerosia. Sclerosia are the aggregation of mycelium, which is resistant to high temperature or chemicals, which can survive up to thirty years. The colony of projectonia is brown color, light brown color. The mycelium is septate, branched, and इट ब्राउन इन कलर देयर इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न इन राइजोक्टोनिया दैट इज राइट एंगल ब्रांचिंग इट फॉर्म नाइंटी डिग्री ऑफ एंगल विथ प्रीवियस माइसीलियम कमिंग टू द डिजीज साइकल पैथोजन कहा सर्वाइव करता है सॉइल में और व्हीड होस्ट में एज स्क्लेरोसिया यह जो स्क्लेरोसिया है फिर स्टेम में इंफेक्शन करता है सिम्टम डेवलप होता है फिर से ये स्क्लेरोसिया बनाता है ये स्क्लेरोसिया इरीगेशन वाटर के थ्रू फिर से दूसरे फील्ड में या आसपास के प्लांट में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं तो दिस इज नॉन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में ये जो स्क्लेरोसिया है वो कोलेट्रल होस्ट में या वीड होस्ट में भी इन्फेक्शन करते हैं और फिर सर्वाइव करते हैं इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे ये राइस प्लांट लगा हुआ है इसमें ये जो स्क्लेरोसिया है वो फ्लोट होकर आता है तैरते हुए और यहाँ स्टेम में इन्फेक्शन स्टार्ट करता है फिर सिम्टम आते हैं फिर से स्क्लेरोसिया बनता है और ये स्क्लेरोसिया इरिगेशन वाटर के द्वारा फिर से फैलता है कमिंग टू द इपिडीमोलॉजी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई टेम्परेचर डेंस प्लांटिंग एंड हैवी डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कमिंग टू द मैनेजमेंट We should always adopt integrated disease management practice, like avoid excess dose of fertilizers, adopt optimum spacing, eliminate weed host, apply organic amendment, avoid flow of irrigation water from infected field to healthy field, deep summer plowing and burning up stables grow disease tolerant varieties like Siva, spray propiconazole. जीरो पॉइंट वन परसेंट और हेक्साकोनाजोल और वेलिडामाइसिन कमिंग टू द फॉल्स स्मट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्मट जो नॉर्मल स्मट होता है वो बेसिडियोमाइकोटिना फंगस से होता है लेकिन ये जो फॉल्स स्मट है ये एस्कोमाइकोटिना फंगस से होता है जो ट्रू स्मट होता है उसमें जो ग्रेन है वो ग्रेन ना बन के वहाँ पर फंगस का स्पोर बनता है लेकिन स्मट में यह जैसे ग्रेन है तो ग्रेन के चारों ओर फंगस का स्पोर बनता है इसीलिए इसे फॉल्स स्मट कहते हैं दिस इज कॉज्ड बाय युस्टिलेजनोइडिया वायरेंस द टीलोमार्फ इज क्लेविसेप्स ओराइजी कमिंग टू द सिम्टम द सिम्टम्स आर ओनली विजिबल आफ्टर फ्लावरिंग द फंगस ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल ग्रेन इंटू येलो ग्रेनिस स्पोर बॉल ऑफ

जो सिम्टम है वो केवल फ्लावरिंग के बाद दिखाई देता है और क्या होता है जो ग्रेन है उसके चारों ओर फंगस का ग्रोथ होता है और जो एक सेंटीमीटर तक का हो सकता है स्टार्टिंग में ये जो स्पोर हैं वो एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं बाद में ये मेम्ब्रेन टूट जाता है और स्पोर्स बाहर निकलते हैं एक पे के सभी स्पाइकलेट अफेक्टेड नहीं होते हैं ओनली जो कुछ ग्रेन हैं वही अफेक्टेड होते हैं जैसे ये सिम्टम कमिंग टू द इटियोलॉजी द फंगस बिलोंग टू एस्कोमाइकोटिना दैट्स वाई द माइसिलियम इज सेप्टेड, हाईलाइन एंड ब्रांच द कोनीडिया आर स्फ़ेरिकल आर इलिप्टिकल एंड हाईलाइन क्लेमाइडोस्पोर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड ऑन स्पोर बॉल इट प्रोड्यूस एस्कोस्पोर इन पेरिथीसिया It also produces sclerosia, which is dark and long. Coming to the disease cycle of rice false smut. Pathogens survive in seed soil weed host as sclerosia and chlamydospore. The sclerosia produce escospore. These ascospores cause infection in booting stage. Symptoms are developed in grain and it forms the chlamydospore and conidia in grain. After rupturing up the membrane, conidia and chlamydospore spread to other plant by winds at heading stage and it causes the secondary infection. This cycle is known as secondary infection cycle. It also infects the wild rice and collateral host in later stage. Coming to the epidemiology rainfall and cloudy weathers during flowering and maturity 26 to 28 degree centigrade temperature presence of free water which promote conidial germination high dose of nitrogenous fertilizer coming to the management we should always adopt integrated disease management practice such as sanitation of the field use of disease free seeds फ्लोट द सीड इन ट्वेंटी परसेंट ब्राइन सोल्यूशन क्रॉप रोटेशन विथ नॉन होस्ट ग्रो रजिस्टेंट वेराइटी लाइक विजया आई आर ट्वेंटी आई आर ट्वेंटी एट सीड ट्रीटमेंट विथ कार्बेंडाजीम एंड इफ नेसेसरी वी कैन ऑल्सो इस्प्रे कार्बेंडाजीम एट जीरो पॉइंट वन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ब्राइन सोल्यूशन का क्या रोल है जब हम सीड्स को ट्वेंटी परसेंट ब्राइन सोल्यूशन में फ्लोट कराते हैं तो जो हेल्दी ग्रेन है वो नीचे में आ जाते हैं और जो इन्फेक्टेड है वो ऊपर में तैरते रहते हैं तो इसीलिए ये जो इन्फेक्टेड ग्रेन्स हैं इन्हें हटा दिया जाता है और ओनली हेल्दी ग्रेन्स को लिया जाता है अब आते हैं खैरा डिजीज ये जो सिम्टम दिख रहा है ब्राउन कलर के स्पॉट्स ये लिप्स में ये खैरा के कारण होता है सिम्टम अपीयर्स 10 to 15 days after transplanting it appears as chlorosis at the leaf base and then large number of small brown or bronze spots appear on the leaf lamina like you can see in these pictures these spots coalesce and form bigger spots entire leaf turn to bronze and finally dries root growth is also restricted

disease does not transmit from plant to plant because it's a physiological disorder which is caused due to zinc deficiency so it will not transmit from one plant to another coming to the management broadcast zinc sulfate in nursery bed also the dip the seedling or pre soak the seeds in 2 to 4% zinc oxide suspension we can grow zinc efficient varieties. Coming to the tungro disease. This symptom is of tungro. Tungro means yellowing. This is caused due to rice tungro spherical virus and rice tungro basiliform virus. Coming to the symptom. Symptoms vary according to stage of plant. Varieties and virus strain. It start as yellowing of the tip of young leaves, followed by yellow to orange discoloration of leaves. When plants are infected at early stage, few tillers are developed. Root development is very poor and stunting in very severe condition. Panicle that develop on severely infected rice plants are small.

बेस की तरफ जाता है कमिंग टू द इटियोलॉजी दिस डिजीज इज कॉस्ड बाई टू वायरस दैट इज राइस टूंग्रो स्पेरिकल वायरस एंड राइस टूंग्रो बेसिलीफॉम वायरस ये जो स्फेरिकल वायरस होता है इसका सेप भी स्पेरिकल होता है गोल होता है और जो बेसिलीफॉर्म वायरस है वो रॉड सेप का होता है जो बेसिलीफॉर्म वायरस है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और जिसका साइज 30 से 35 नैनोमीटर विथ में और 100 टू 400 नैनोमीटर लेंथ में होता है राइस टूंग्रो स्फेरिकल वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आर होता है और इसका जो साइज है वो थर्टी टू थर्टी थ्री नैनोमीटर होता है राइस टूंग्रो बेसिलीफॉम वायरस बिलोंग टू कोलिमोविडी और राइस टूंग्रो स्फेरिकल वायरस बिलोंग टू सेक्विविडी जो राइट टूंग्रो बेसिलीफॉर्म वायरस है यह केवल वस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होता है जो जाइलम फ्लोएम है केवल उसी में ही प्रेजेंट होता है लेकिन जो राइस स्फेरिकल वायरस है ये ओनली फ्लोएम टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो राइस टूंग्रो बेसिलीफाम वायरस है यह जाइलम या फ्लोएम दोनों में प्रेजेंट हो सकते हैं कमिंग टू द डिजीज साइकिल जो इंसेक्ट वेक्टर है लीफ हॉपर उसके कारण से यह एक प्लांट से दूसरे प्लांट में स्प्रेड होता है जिसका साइंटिफिक नेम है निफोटेटिक्स एंड निफोटेटिक्स आर वेक्टर। मिनिमम एक्वेजिशन फीडिंग इज फाइव टू सेवन मिनट नो लेटेंट पीरियड एंड इन्फेक्टिविटी अप टू फाइव डेज मिनिमम एक्वेजिशन फीडिंग मीन्स जो वैक्टर है और राइस प्लांट में जब फीड करेगा तो कम से कम पाँच से सात मिनट तक उसे फीड करना है इससे कम टाइम तक अगर वो फीड कर रहा है तो वायरस प्लांट से इंसेक्ट में इंटर नहीं करेगा वायरस कहाँ सर्वाइव कर रहा है वायरोलीफेरस इंसेक्ट में या वीड होस्ट में उसके बाद जब नेक्स्ट सीजन में हेल्दी प्लांट लगाया जाएगा तो उसमें यह वायरोलीफेरस इंसेक्ट फीड करेगा जिसके बाद जो वायरस इंसेक्ट बॉडी से प्लांट बॉडी में इंटर करता है उसके बाद वायरस प्लांट में मल्टीप्लाई होता है और सिस्टमिक मूव करके पूरे प्लांट बॉडी में फैल जाता है सिम्टम डेवलप होता है उसके बाद नॉन वायरोलीफेरस इंसेक्ट जिसमें कि अभी वायरस प्रेजेंट नहीं है वो इन्फेक्टेड प्लांट को फीड करते हैं उसके बाद वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से इंसेक्ट बॉडी में इंटर करता है जो नॉन फेरस इंसेक्ट है वो फेरस इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है फिर से वायरली फेरस इंसेक्ट दूसरे हेल्दी प्लांट को फीड करता है और वायरस को स्प्रेड करता है दिस साइकिल इज नॉन एज सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल बाद में ये जो वायरोलीफेरस इंसेक्ट है वो कोलेट्रल होस्ट में भी फिट करेंगे और इस प्रकार से वायरस सर्वाइव करता है कमिंग टू द दी प्रेजेंस ऑफ लीफ प्रेजेंस ऑफ वायरस डेंस प्लांटिंग हाई डोज ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर वेराइटीबल टू लीफ ऑपर हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडी डेज कमिंग टू मैनेजमेंट वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज Use of light trap to control the vector. Planting of resistant varieties like IR36, IR50. Adjust the date of planting to avoid the insect. Crop rotation with non host. Fellow period of at least one month to eliminate host and virus vector. इन एपिडेमिक एरिया फॉलो क्रॉप रोटेशन विथ पल्स और ऑयल सीड अप्लाई नीम केक इन नर्सरी डीप समर प्लोइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड होस्ट एंड ऑल्सो वी कैन स्प्रे द केमिकल लाइक मोनोक्रोटोफॉस टू कंट्रोल द इंसेक्ट फैक्टर इंस्टीड ऑफ यूरिया के लिए इतना ही पॉलियर फर्टिलाइजर लाइक पोटेशियम नाइट्रेट शुड बी अप्लाइड Please watch more videos from our channel. You can download lecture PDF from our Telegram channel. Don't forget to subscribe Dr. Agriculturist and hit the notification bell. Follow our Facebook page, Ki Jankari. Thanks for watching the video till end. We will meet again in next video.